इस चैप्टर में आप उन बुलेट के बारे में देखेंगे। मैंने इसके अंदर एक लिस्ट बना के रखी हुई है, उसके नीचे अपने को बुलेट डालना है। तो अपन फाइंड करते हैं लिस्ट कहाँ पे लिखी हुई है। कंट्रोल एफ शॉर्टकट है कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए। ये देखो ये आ गई, इस पर क्लिक करो तो अपन यहाँ पे आ गए बराबर। अब ये अपने को चाहिए नहीं, इसको डिलीट मार दो। इसको अपने को बुलेट्स देने हैं, तो ये एक लाइन सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के एंड दबाने का, और फिर शिफ्ट दबा के नीचे वाला एरो दबाओ, तो इस तरीके से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा बराबर। इसके बाद अगर आप उन डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स है वो आ जाएगी। इसके अलावा आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो जो भी बुलेट्स अपने को चाहिए वो आप उन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बराबर, इस तरीके से। इसके अलावा लिस्ट में जाओ, इधर 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 भी सेम है। सो क्लिक मारे आपने, डिलीट कर दिया इसको, और इन सबको अपने को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट दबा के एंड दबाओ, फिर नीचे लेके आओ बराबर, इस तरीके से सेलेक्ट किए। अब अपने को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप उनने लास्ट सेलेक्ट किए थे ना वही फ़िलहाल अपना डिफ़ॉल्ट हो गया। क्लिक मारो, इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब ये होने के बाद अगर अपने को इसमें बुलेट्स नहीं चाहिए लाइन में, ये पैराग्राफ के अंदर, तो ये इसको सेलेक्ट करो, कहीं भी क्लिक मार दो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ। उसके बाद इस बुलेट पे क्लिक कर दो तो वो हट जाएगी। एक और लिस्ट बनाते हैं अपन नंबरिंग की, इस बार प्रोडक्ट सॉरी सर्विसेज ये आ गई अपनी। यहाँ पे अपने को लिस्ट बनानी है, सबसे पहले इसको डिलीट मार देंगे अपन बराबर। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट एंड, फिर शिफ्ट दबा के डाउन एरो, जहाँ तक भी चाहिए अपने को बराबर। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, नंबरिंग में जो भी फॉर्मेट चाहिए अपने को उस फॉर्मेट में ये नंबरिंग हो जाएगा। फिलहाल इस पर क्लिक करते हैं और ये नंबरिंग हो गया। उसी तरीके से नीचे वाला है, इसको डिलीट मार दो। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, इस पर क्लिक किया, ये अपने को चार चीज़ ही करना है, चार चीज़ ही करना है बराबर। हाँ, तो इस पर क्लिक किया अपन, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों सेलेक्ट हो जाएगा, पहले बता चुके अपन। फिर इस पर जाओ, वापस से कौन सा फॉर्मेट था अपना, ये वाला ना, ये वाला था, इस पर क्लिक करो बराबर। अब ये होने के बाद ये दोनों अपन सेम तरीके से किए, लेकिन एक और चीज़ अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सबको सेलेक्ट करो, शिफ्ट शिफ्ट, ये सब सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद इस पर राइट क्लिक मार के, यहाँ देख रहे हो कंटिन्यू नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 पे ख़त्म हुआ, फिर वापस से 1 2 3 4, कंटिन्यू नंबरिंग कर देंगे ना अपन तो वो नंबर कंटिन्यू देंगे इस तरीके से बराबर। 5 के बाद 6 7 8, इस तरीके से। यहाँ भी फ़िलहाल वैसी, अगर ये अपने को नहीं चाहिए यहाँ पे आओ, तो इस तरीके से पैराग्राफ बन गया बराबर। और अगर ये चाहिए तो इन सबको सेलेक्ट करो, तीन बार क्लिक मारो ए लाइन सेलेक्ट करने के लिए, और ऐड कर दो इसको बराबर। उसके आगे की एक लाइन रहेगी तो अपने आप ही उसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसको वापस से राइट क्लिक मार के आप उन रीस्टार्टेड वन भी कर सकते हैं बराबर।
इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, ये मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें क्या होता है वो भी करके देखते हैं अपन। इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर गया और ये पहला ही सेलेक्ट किया बराबर। अब सेलेक्ट होने के बाद भी अपने को ऐसा लग रहा नहीं कि वो अप्लाई हुआ बराबर। वो कब लगेगा मालूम, जब अपन इसको क्लिक करके टैब दबाएंगे ना, तो देखो वो अप्लाई हो गया बराबर एक बार टैब दबाने से। अब मैं यहाँ पे आके एक बार टैब दबाऊंगा तो बी आएगा, दूसरी बार दबाऊंगा तो वन आएगा। यहाँ पे आके एक बार, दो बार, तीसरी बार दबाऊंगा तो वापस से वन, और वापस पीछे जाना तो शिफ्ट दबा के टैब दबाओ बराबर। इस तरीके से ये अप्लाई होता है। सेम इधर पे भी। इसके अलावा एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपन यहाँ पे आके, अगर मुझे ये कर्सर को इधर लाना है तो डायरेक्ट एंड दबा दूंगा मैं तो भी आ जाएगा ये, और एंटर मारूंगा तो एक और ब्लूटीन आ रहा है। लेकिन अगर अपने को ये नहीं चाहिए तो शिफ्ट दबा के एंटर मारूंगा मैं बराबर। अगर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा मैं डायरेक्ट एंटर मारूंगा तो एक और बुलेटिन आ जाएगा। यहाँ एक और चीज़ देखेंगे अपन ये लिस्ट के अंदर, इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, एक एंटर मार दो। यहाँ पे खुद से अगर अपने को कोई लिस्ट तैयार करनी है, यानी कि बुलेट्स तैयार करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डैश का तैयार करना है, तो सबसे पहले मैं डैश डाल के फिर स्पेस मार दूंगा तो वो बुलेट्स तैयार हो जाएगा इस तरीके से बराबर। और अगर अपने को फिर ये नहीं चाहिए तो डबल बार एंटर मार दो। बराबर ये सिंगल बार से भी हो जाता है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टार से बनाना है तो सेम स्टार लिखूं और स्पेस मार दूं और कुछ भी टाइप करूं मैं तो आ जाएगा ये। और इसको मुझे गैप करना है तो सिंपली एंटर मार दूंगा मैं बराबर। हम खुद से भी बुलेट्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे बुलेट्स कस्टमाइज़ करनी है तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, इधर ऑप्शन में जाऊँगा, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाऊँगा बराबर। यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई है, फॉन्ट, पिक्चर और सिंबल्स। फॉन्ट तो जो भी फॉन्ट अपने अंदर के रहेंगे उसके आप उन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर्स में जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों की पिक्चर है ये, उसके अलावा कोई अगर पिक्चर अपने को अच्छी लगती है तो वो आप उन्हें इम्पोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फ़ोटो इसमें इम्पोर्ट करता हूँ, ऐड बराबर, ओके कर दो। तो ये इसका प्रीव्यू है, अब इसको ओके करो तो इस तरीके से ये आ गया। इसके अलावा इस पर जब मैं, ये देखो इस पर जब मैं क्लिक मारूँगा तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और राइट क्लिक मार के मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ तो इस तरीके से बराबर, कंट्रोल जेड। इसके अलावा आप उन सिंबल से भी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, सिंबल पे क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। इसके अंदर ये सब सिंबल्स है और भी सिंबल्स है। इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग सिंबल्स है बहुत सारे, जो भी अपने को चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये देखो बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस सीडी को या इस माउस को क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है उसका, मैं इसको ओके कर दूँ बराबर। अब इस माउस को भी आप एडिट कर सकते हैं, क्लिक करो, राइट क्लिक मारो, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं बराबर। इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ मैं इस तरीके से बराबर। जब भी आप इस तरह से बुलेट्स डालते हैं
तो हर लाइन एक पैराग्राफ बन जाती है बराबर, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है पैराग्राफ के हिसाब से। उसको निकालना है तो यहाँ से आप उन कर सकते हैं, या फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दो तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा बराबर। अब इसको भी आपन यहाँ से बुलेट दे दिए ये वाली इसके अंदर, लेकिन आपन इसकी फॉर्मेटिंग को देख चुके हैं किस तरह करने का। अब इसकी देखेंगे आपन यहाँ से, मैंने इसको भी डिफाइन करते हैं, ये सब तो अपन देख चुके हैं। डिफाइन न्यू लिस्ट और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल स्टाइल, इस पर क्लिक करो तो इस तरीके से ये ओपन होएगा बराबर। पहली लाइन अपनी इस तरीके से है, लेकिन अगर अपने को ये इस तरीके से नहीं चाहिए तो यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, इस पर क्लिक करो और जिस तरीके से भी अपने को चाहिए उस पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ओके, तो ये इस तरीके से आएगा। इसके अंदर मज़ीद अगर एडिटिंग करनी है अपने को तो यहाँ पे क्लिक करो और स्पेस कॉलिंस डाल दो और ये डाल दो, तो यहाँ पे अपना प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये किस तरीके से होएगा। इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट में जाके भी आप इसकी इसको इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह जो भी है दे सकते हैं इसके। और उसके बाद अपन सेकेंड लाइन पे आते हैं, सेकेंड लाइन इस तरीके की है, इसको भी अगर बदलना चाहे तो अपन बदल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। डॉट और इसकी जो ये दिख रही है, ये अगर ये दिख रही है अलाइंड एट 0.75, अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा इस तरीके से तो देखो ये क्या होएगा बराबर। और उसके नीचे की लाइन को भी अगर मुझे इसके लेवल में रखना है, ये एक लेवल में, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको भी बढ़ाऊँगा इस तरीके से बराबर। अब अगर मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये देखो इस तरीके से आया। अब यहाँ देखना, मैं इस पर क्लिक किया, ये तो फर्स्ट ही अपना, और अगर ये फर्स्ट सेकंड नहीं है तो इसको टैब दबा दो तो सेकंड ये हो जाएगा बराबर। और सॉरी, ये सेकंड नहीं है तो इस पे दबा के इसको टैप कर दो, दो बार टैप करेंगे तो नीचे की लाइन हो जाएगी। तो बताने का मतलब ये था कि आप उन इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप उन जाते हैं तो यहाँ पे देखो 9 लेवल आते हैं, यानी कि आप उन 9 लेवल तक ही मल्टी लेवल को यूज़ कर सकते हो, उसके आगे वर्ड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जब मैं वापस इसमें जाऊंगा तो ये जो है अपना जो अपन लास्ट यूज़ किए वो दिखा रहा है यहाँ पे, लिस्ट इन करंट डॉक्यूमेंट। इस पर राइट क्लिक अगर मैं मार के सेव इन लिस्ट लाइब्रेरी करूँगा तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। आज अपन टेबल क्रिएट करने के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, ये टेबल का ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ। सबसे पहला तरीका तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बिना क्लिक किए सिर्फ माउस हिलाएंगे अपन तो उसका प्रीव्यू अपने को राइट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा ये अपना 5x3 का कॉलम है, क्लिक किया तो इस तरीके से कॉलम बन जाएगा बराबर। एक और तरीका है इस टेबल तैयार करने का, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, इंसर्ट टेबल बोलो, यहाँ अपनी तरफ से 5 है, इसको 5 ही रहने दो, इसको 3 कर दो, जो भी करना है अपने को। और इसके अलावा अगर अपन ऑटो पर रखेंगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही टेबल बनेगा, पूरा पेज यूज़ करेगा, और अगर इसको अपन चाहे तो यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1.1 कर दिया और ओके कर दिया तो 1.1 के बनेंगे, और ऑटो में क्या होएगा पूरी लेंथ यूज़ करेगा वो बराबर। कंट्रोल एंड दबा के लास्ट में आता हूँ मैं, एंटर मारता हूँ, और एक और तरीका देखते हैं अपन टेबल बनाने का। दूसरा तरीका है ड्रॉ टेबल, इसको जब अपन क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे पेंसिल का मार्क देगा वो। सबसे पहले इसके अंदर मुझे बॉर्डर बनानी होगी, ये मैंने बॉर्डर बना दिया। अब मैं जो चाहूँ
बना सकता हूँ इस पर। समझ लो मैंने एक सेल बनाई इस तरीके से, दूसरी बनाई इस तरीके से, फिर मुझे मिडल में चाहिए इसको, फिर मैं यहाँ से बना रहा हूँ। इस तरीके से तो अपन कस्टमाइज व्यू इसके अंदर बना सकते हैं। कंट्रोल एंड से मैं लास्ट में जाऊंगा, फिर एंटर मार दूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखनी है अपने को इस लेक्चर में, ये क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में जब मैं आऊँगा तो ये कुछ मेरे पास डिफ़ॉल्ट टेबल्स रहेंगे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बराबर। इस तरीके से जिस पर भी क्लिक करूँगा मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैलेंडर चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो खुद ब खुद बन के आ जाएगा। मुझे इसके अंदर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के बारे में देखेंगे। ये टेक्स्ट है, इसको टेबल में अपने को कन्वर्ट करना है, बराबर। सबसे पहले इस चीज़ को जो अपने काम की नहीं है डिलीट मार दो। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना है कि जो नॉन प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट है उसको ऑन करो। अब इसके अंदर मालूम है जो टैब का साइन है, जो एरो है, इसका मतलब है कॉलम, और ये जो पैराग्राफ की साइन है इसका मतलब है रोज़। यानी कि यहाँ पे एक दो और तीन कॉलम बनेंगे, और एक रोज़, दो रोज़, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 रोज़ बनेगी, बराबर। ये लाइन तो बराबर है, एक दो तीन कॉलम, ये लाइन भी बराबर है। देखो यहाँ पे एक कॉलम दो तीन, ये लाइन में भी बराबर ही है। देखो ये यहाँ पर है टैप की साइन, ये लाइन भी बराबर है, ये लाइन भी बराबर है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे तो एक दो तीन कॉलम बन रहे हैं, बराबर। यहाँ पे तो तीन कॉलम बन रहे हैं ऊपर की लाइन में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम बन रहा है, और फिर नीचे नीचे यहाँ पे दो ही कॉलम बन रहे हैं और नीचे भी दो कॉलम बन रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए आप यहाँ पे आके कंट्रोल जी इस पैराग्राफ साइन को डिलीट मार देंगे, तो ये जो हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट, और एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे, बराबर। आप देखो यहाँ पे एक और ये दो और ये तीसरा कॉलम बन गया, बराबर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, बराबर, रो में। तो इसके लिए भी आप सेम करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे तो ये इस तरीके से आ गया, और एक स्पेस दे देंगे। तो एक लेकिन फिर भी यहाँ पे दो ही कॉलम बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही टैब की निशानी है और अपने को तीन कॉलम चाहिए। तो इस साइन को भी डिलीट मार दो, तो ये भी ऊपर आ गया, बराबर। स्पेस दे दो, तो अब यहाँ पे कितना टैब हो गए, दो टैब यानी तीन कॉलम। सेम यहाँ पर भी है, इसको डिलीट मार दो, तो यहाँ पे एक दो टैब है यानी कि तीन कॉलम बन गए। अब इन सबको सेलेक्ट करो, इधर क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और यहाँ पर क्लिक करो। इंसर्ट में जाओ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो। इधर कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, चाहिए तो इधर पे कुछ कर सकते हैं अपन, ऑटो फिक्स टू विंडो कर दो, और इधर भी कुछ छेड़छाड़ मत करो, ओके। तो इस तरह से ये टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और अगर अपने को ये नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड, सिंपल ऑप्शन है, और वापस चाहिए तो कंट्रोल वाई। अब इसके बाद अगर अपन ने बहुत सारी एडिटिंग कर दी है, नीचे भी आ गया अपन, कंट्रोल जी मारने का टाइम अपने पास अब नहीं है, तो इन सबको सेलेक्ट करो, सॉरी शिफ्ट शिफ्ट दबाओ, सारा टेबल सेलेक्ट हो गया। लेआउट में जाओ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दो, ओके। तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में चले जाएगा, कंट्रोल सी, बराबर। अब अपन एक्सेल सीट इसमें इंसर्ट करने के बारे में देखेंगे। इसको डिलीट मार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, बराबर। इंसर्ट के अंदर आओ, टेबल के अंदर आओ,
एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, क्लिक कर दो तो इस तरीके से शीट आ जाएगी। इसकी साइज़ भी आप उन यहाँ से एडिट कर सकते हैं बराबर, अगर करनी है तो, और यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं इस तरीके से। और अभी फ़िलहाल देखो ऊपर का जब मेनू देखेंगे अपन, तो ये पूरा मेनू काहे का है, एक्सेल का है, वर्ड का नहीं है। अभी जब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप करूँगा, डबल क्लिक मारो, इसके अंदर अपन फॉर्मूले भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह से अपन एक्सेल में करते हैं बराबर। इससे बाहर निकलना है, यहाँ पे आओ, क्लिक मार दो बराबर, तो वापस अपन वर्ड के अंदर आ जाएंगे और ये इस तरीके से दिखेगा। वापस इसको ऐड करना है, डबल क्लिक इस पर मारो, यहाँ पे आओ, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, सॉरी आपने सेलेक्ट नहीं किया इसको, ऑल बॉर्डर पे क्लिक, सॉरी आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक मारो तो ये इस तरीके से आएगा बराबर। इसको डिलीट मारना है, सेलेक्ट करो और डिलीट मार दो तो ये चले जाएगा। इसके अलावा आप उन बनी हुई कोई भी एक्सेल की शीट भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड के अंदर ही जब आप उन एकदम राइट में आएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो बराबर, ये इस तरीके से दिया हुआ है। क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो, ब्राउज में जाओ, ये इस पर क्लिक करो, ये हमारी एक्सेल की फाइल है, इंसर्ट। अब यहाँ पूछ रहा है लिंक करना है इसको, अगर अपन लिंक करेंगे तो आप, मैंने एक्सेल के अंदर ही बताया था कि अगर बाद में मैंने कुछ चेंजेस किया तो फाइल ओपन होने पे वो अपडेट मांगता है, अगर अपडेट करेंगे वो तो चेंजेस अपने आप इसके अंदर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये फाइल ओपन हो गई, इसको अपन अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से बराबर। इसके अलावा एक और चीज़ दिखानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट मारता हूँ टेबल को। अभी जो टेबल दिख रहा है अपना, अगर मैं इसके हिडन मार्क्स ऑन कर दूँ तो मालूम पड़ेगा क्या कि यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है बराबर ना, एक कॉलम की साइन है। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँ इस तरीके से शिफ्ट दबा के, यहाँ पे आ जाऊँ इंसर्ट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, ओके, कुछ छेड़ना नहीं है मुझको इधर, ओके, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया बराबर। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे इसके अंदर भी आप उन फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करने का है और उसका आंसर मुझे यहाँ चाहिए, तो फ़र्ज़ कर लो कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, जिस तरह एक्सेल में होता है, और ये 1 2 3 4 5 है बराबर, तो ये 3 है और ये बी है, तो बी 3 और बी 4 को अपने को मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर अपने को यहाँ पे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कर लो पहले, फिर फंक्शन में जाओ, फंक्शन किधर मिलेगा, टेबल के अंदर, लेआउट के अंदर, फार्मूलाज पे क्लिक करो, पहले से बने हुए फॉर्मूले को डिलीट मारो, इक्वल टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय बी 4। नंबर फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी अपने को चाहिए, उसके बाद ओके मारो, तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया बराबर। अब इसके अंदर एक चीज़ है जो एक्सेल के अंदर है और इसमें नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4:34 है, मैं इसको 5:34 करता हूँ, लेकिन देखो चेंजेस इसमें हुए नहीं। अगर अपने को चेंजेस इसमें चाहिए तो राइट क्लिक मारो यहाँ पे, सॉरी को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक मारो और यहाँ पे अपडेट फील्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो तो ये फील्ड अपडेट हो जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी
हो जाएगा। टेबल के अंदर एक टेबल से दूसरे टेबल में मूव होने के लिए, सेल में सॉरी मूव होने के लिए तो टैब दबाएंगे अपन, तो इस तरीके से वो मूव होते जाएगा। इसके अलावा डाउन की दबाएंगे तो रो के अंदर ये मूव होता जाएगा, बराबर। लेकिन अगर अपने को, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके टैब की दबाता हूँ तो इस तरीके से हो रहा है वो, बराबर। लेकिन जब मैं यहाँ पे टैप की दबाऊंगा ना तो वो यहाँ पे चले जा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक्चुअल में टैप की यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इस कॉलम के अंदर, तो मुझे कंट्रोल दबा के टैप दबाना होगा तो ही वो टैप की यूज़ कर सकता है, वरना वो दूसरे कॉलम में छलांग लगा देगा। अब किसी को भी अपने को, फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये डाउन एरो बनेगी, तो मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे आगे क्लिक कर दूँ तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे सारे एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो मैं डाउन एरो पर क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, बराबर। तो इस तरीके से वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और अगर मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है तो क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से, बराबर। और अगर मुझे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करूँगा ड्रैग करके, बराबर। अगर मुझे सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस तरीके से, मैं ये पूरे वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, बराबर। इसके अलावा अगर मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हुए, कॉलम सेलेक्ट नहीं हुआ है, बराबर। पूरे के पूरा कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं पे आके मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखो ये भी सेलेक्ट हो गया, मतलब पूरा के पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया मेरा। इसके अलावा जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से तो ये सिर्फ मेरा वर्ड सेलेक्ट हो रहा है, बराबर। ये मेरा सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सेल सेलेक्ट करने के लिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो दिख रहा है ये एरो, ऐसी जब एरो बन के आएगी मैं क्लिक करूँगा तो पूरा सेल सेलेक्ट होएगा। इसके अलावा जब मैं टेबल लेआउट में जाऊँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, बराबर। सेलेक्ट कॉलम बोलूँगा तो इस तरीके से, सेलेक्ट टेबल बोलूँगा तो ये पूरा के पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्शन के बारे में देख चुके अपन, अब इसको एडिट करने के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, लेफ़्ट करूँगा तो इस तरीके से होएगा, कंट्रोल जी राइट करूँगा तो इस तरीके से होएगा कंट्रोल जी। इसके अलावा मैं राइट क्लिक मार के भी इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर सकता हूँ, बराबर। इसी तरीके से मैं रो का भी कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, या तो फिर इंसर्ट अबव कर दूं यहाँ से, या तो फिर राइट क्लिक मार के। सेम डिलीट करने के बारे में भी है, मैं इस पर या तो यहाँ से डिलीट कर दूं इसको, डिलीट कॉलम रो डिलीट करना अपने को ये है, या फिर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक मारूं और डिलीट कॉलम पे कर दूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो ये जो मेरी साइज़ है कॉलम की वो थोड़ी हट गई है एक्चुअल साइज से, तो या तो मैं उसको यहाँ से आके जब डबल जरो बनता है एक्सेल की तरह क्लिक और ड्रैग भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ ऑटो विंडो में आके ऑटो फिट टू विंडो कर सकता हूँ इस तरीके से, बराबर। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रोज भी है जो अपन यूज़ कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस तरह का मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर। मैं इन सारों को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इसको अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको देखता हूँ, मेरा फर्स्ट ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे सेंटर में अलाइन करना है तो मैं यहाँ से यहाँ कर दूँगा। लेकिन इसको इन दोनों रोज़ के बीच में करना है तो
उसके लिए मुझे लेआउट में आना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से अलाइन कर सकता हूँ बराबर। इसके अलावा मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरीके पे कि सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं। इसके अंदर आप उन सेल मर्ज करने के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेल एडिट कर देता हूँ, इस रो को सेलेक्ट करो, लेआउट में जाओ, इंसर्ट अबो, इस तरीके से मैंने एक सेल एडिट कर दिया बराबर। अब अगर मुझे इसको मर्ज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ सेल मर्ज पे क्लिक कर दूँगा या फिर इस पे राइट क्लिक मार के मैं यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दूँगा तो वो इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, एक सेल बन जाएगा ये। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मर्ज सेल के अंदर, स्प्लिट सेल बराबर। मैं स्प्लिट सेल पे जब क्लिक करूँगा तो ये मुझको पूछता है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, टू, यानी ये मर्ज करेगा और नंबर ऑफ़ कॉलम टू कर देगा। अभी यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार कॉलम है ना, इसको दो कॉलम में ये मर्ज करेगा। ओके ये देखो दो कॉलम के अंदर इसने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट टेबल के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्लिक किया, स्प्लिट टेबल बोलूँगा तो मैं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट में जाके रिपीट हेडर रो कर देता हूँ बराबर। अब अगर ये दो हिस्सों में दूसरे पेज पे जाएगी ये रो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इस तरीके से, तो देखो वन टू का जो कॉलम है यहाँ पे भी रिपीट होएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही है, यहाँ पे जाके भी आप उन चेंजेस कर सकते हैं बराबर। रोज़ में जाएंगे तो इस तरीके से जो भी चेंजेस है, अच्छा ये चेंजेस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप उन एक्सेल में किया करते थे, वो रैप टेक्स्ट वगैरह, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। तो इसको फिर जो भी अपने को चेंजेस चाहिए यहाँ से आप उन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ है रेफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेफरेंस पर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के बारे में आता हूँ, तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, डिलीट करके इसको टेबल वन जे खान बराबर, और मैं इसको ओके करता हूँ। सॉरी इंसर्ट में आके टेबल वन ही रहने देता हूँ इसको, और यहाँ पे अबो द सेलेक्टेड आइटम करता हूँ। ओके तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसमें अपन सॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को ये कॉलम जो है ये सॉर्ट करने का है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा बराबर, और इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए बाजू वाले को बी, और एक कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ, और फिर लेआउट के अंदर जाके यहाँ पे देखो सॉर्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा बराबर। अब ये पूछ रहा है असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, और टेक्स्ट से करना है बराबर, पैराग्राफ से नहीं करना है अपने को, और ये ओके कर दो तो जो ये अपने आप हो जाएगा। अमाउंट पहले आएगा, ग्रो जी बाद में आता है, टी बाद में, और डब्ल्यू सबसे आखिर में। तो इस तरह से आप उन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप उन ये जो नंबरिंग आप उन करते हैं यहाँ से बुलेट से, इसको भी आप उन सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी अपने को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे अपन पैराग्राफ से करेंगे बराबर, सॉर्ट बाय पैराग्राफ असेंडिंग ही करेंगे, हेडर रो नहीं है इसके अंदर। ओके बराबर, अकाउंटिंग, बैंकिंग, बिल्डिंग, लीगल, मार्केट, तो इन दो तरीके से अपन सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब बॉर्डर्स के बारे में देखेंगे अपन, इस टेबल के बॉर्डर्स अपने को देखने हैं, सबको सेलेक्ट करो, बॉर्डर के ऑप्शन में जाओ,
आप कोई भी बॉर्डर्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बराबर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नो बॉर्डर्स कर दिया तो वो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर मैं सबको सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर दे देता हूँ आउटसाइड, तो ये सिर्फ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद भी अगर मैं जाऊँ तो ये फर्स्ट रो सेलेक्ट करके इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर फर्स्ट रो को खाली दे सकता हूँ। बराबर, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो भी आप उन चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं। बराबर, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो वो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके भी कुछ मैं अलग से दे सकता हूँ इसको। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लाइन अलग से देनी है इस तरीके से, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है उसकी मुझे, कलर भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप उन्हें यही रखेंगे। अब ये जो मैंने चेंजेस किया हूँ, मुझे कहाँ अप्लाई करना है नीचे की लाइन पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो इस तरीके से इस सेल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा मैं ग्रेडियंट्स भी दे सकता हूँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाके। जब मैं यहाँ पे शेडिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पे से मैं कलर फील कर सकता हूँ नॉर्मली, या फिर पैटर्न भी फील कर सकता हूँ मैं। यहाँ क्लियर पैटर्न है, मैं यहाँ पे आके इसको 25% लेता हूँ और कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ। बराबर, और जब मैं इसको ओके करूँगा तो इस तरीके से वो हो जाएगा। ये थोड़ा लाइट कलर है, दिख रहा नहीं है, मैं थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ इधर आके। इसको लेता हूँ मैं ओके, तो अभी ये इस तरीके से आएगा। इसके अलावा अगर मुझे इसको ही फिल करना है, जो फिल कमांड था वहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी फिल कमांड यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी कलर यहाँ से भरकर। तो इस तरीके से आप अपना व्यू कस्टमाइज कर सकते बॉर्डर। इसके अलावा हमारे पास जब डिज़ाइन में आप आएंगे तो पहले से भी दी हुई है टेबल स्टाइल, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। बराबर, और जब मैं इस पर राइट क्लिक मारूँगा किसी भी टेबल स्टाइल पे, तो देखो ये आएगा अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आप ने एडिट किया वो ऐसी रहेगी लेकिन टेबल अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा न्यू स्टाइल है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नई खुद की स्टाइल चाहिए, मैं यहाँ पे जे खान टेबल स्टाइल देता हूँ। बराबर, इसके ऊपर वो बन रही है, पूरे टेबल पे अप्लाई करना या हेडर पे या रो पे, जो भी मैं कर सकता हूँ। फिलहाल आप होल टेबल लेंगे और यहाँ से इसको हटा के मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। बराबर, और यहाँ से मैं कलर वगैरह भी इसके थोड़े से चेंज कर देता हूँ। बराबर, इस तरह से, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। बराबर, तो अब ये मेरे नाम का भी एक बन गया है, देखो ये वाला, ये जो है वो मैंने जो बनाया हूँ वो अपने कैरेट किया हुआ टेबल है, इस तरीके से टाइम्स न्यू रोमन। बराबर, उसके अलावा जब मैं इसको सेलेक्ट करके लेआउट में आके, सॉरी डिज़ाइन में आके, ये बॉर्डर्स को जब मैं खाली आउटलाइन बॉर्डर रखता हूँ इस तरीके से, और जब मैं ग्रिड लाइन पर जाऊँगा, ये सब होने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और लेआउट में आके व्यू ग्रिड लाइंस में जाऊंगा, तो देखो मुझे ये ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं। बराबर, ये ग्रिड लाइंस मुझे दिख रहे हैं लेकिन ये प्रिंट नहीं होंगे, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस चीज़ का चार्ट बनाना है तो मैं सिंपली इंसर्ट में जाऊँगा, चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जो भी मुझे यहाँ से स्टाइल पसंद आ रही है, सेम एक्सेल के अंदर जो आप उन चार्ट सीखे थे वैसे ही है। इस पर मैं क्लिक मारूँगा,
ओके करूँगा तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, बराबर। इसको मैं ऑफ कर दूंगा, और इस तरीके से यहाँ पे मेरा चार्ट तैयार है। मैं चार्ट के बाहर क्लिक मारूंगा और जो एडिटिंग है चार्ट की, मैं वहीं एक्सेल में कर सकता था, बराबर। और मैं यहाँ पे भी इसकी एडिटिंग थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, शेप, क्लिप आर्ट, पिक्चर वगैरह। सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट में जाता हूँ। स्क्रीन क्लिपिंग पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वर्ड में आने के पहले मैं जहाँ था ये मुझे वहाँ पर ले जाएगा, और वहाँ से कोई भी मैं चीज़ इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर डाल सकता हूँ, बराबर। उसके अलावा मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से, और मैं यहाँ से उसको कोई स्टाइल भी दे सकता हूँ, बराबर। जैसे कि मैं इसको याली स्टाइल दे देता हूँ तो वो इस तरीके से दिख के आएगा, जिस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन है पिक्चर टूल्स के अंदर। यहाँ से मैं इसको कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, बराबर। इसके अलावा मैं इसके लेआउट लेआउट इफ़ेक्ट भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, जो भी मैं चाहूँ मैं उसके अंदर एडिट यहाँ से पिक्चर इफ़ेक्ट में, पिक्चर बॉर्डर में जाके इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, इसकी विड्थ और वगैरह चेंज कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ मैं इसको, फ्लिप भी कर सकता हूँ, बराबर। अलाइन टू पेज, मतलब इसके अंदर मैं जो चाहे यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। जिस तरह से अपन ने ये ऐड किया उस तरह से अपन इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब इंसर्ट में जाएंगे अपन क्लिप आर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, शेप वगैरह। इसके अलावा अपन वर्ड आर्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी वर्ड आर्ट उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, बराबर इस तरीके से, ओके। अलाइनमेंट बराबर करना अगर उसका मुझे तो होम पे जाके मैं इसको सॉरी इसको सेलेक्ट करना होगा, और इस तरीके से इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, बराबर। इसकी साइज बड़ी छोटी यहीं से कर सकता हूँ मैं, इसके फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ मैं, इस तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर जब मैं यहाँ फॉर्मेट में जाऊँगा तो मुझे इसके ऑप्शन आएंगे, बराबर। टेक्स्ट फिल, इस तरीके से टेक्स्ट अंदर से भर जाएगा, आउटलाइन के अंदर आउटलाइन उसकी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इफ़ेक्ट के अंदर मैं इसके इस तरीके से इसके इफ़ेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ जिस तरह अपन ने किया। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है, आड़े टेढ़े मैं इसको वो दे सकता हूँ, बराबर। थ्री रोटेशन के अंदर देखो जो भी चाहूँ मैं इसको यहाँ से इस तरीके से दे सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से भी मैं इसके बाउंड्री दे सकता हूँ, कोई शेप में चाहूँ तो फिल कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। तो ये अपन इस तरह से क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बराबर। इसके अलावा मैं चाहूँ तो कोई क्लिप आर्ट भी इसके अंदर, इसके अलावा अपन स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में जाके।
स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा मैं, तो इस तरीके से ओपन होएगा। कहीं से भी मैं इसको ओके कर सकता हूँ, इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से ये ओपन हो गया, जो चाहे मैं इसको बराबर। तो इस तरीके से आप उन टेबल इमेजेस वगैरह इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं।